इस्तीफे की इत्तला और खुशी में स्वीट्स, जाम कमाल और तर्जुमान के तर्दीदी ट्वीट्स। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के मुबैना इस्तीफे की खबर पर मुखालिफीन ने मुंह मीठा कर लिया, कुर्बानी के लिए बैल भी ले आए। जाम कमाल और लियाकत शाहवानी ने खबरें बेबुनियाद करार दे दी। गवर्नर ज़हूर आगा ने 92 न्यूज़ को बताया, इस्तीफा मिला है ना कोई हतमी बात है। जाम कमाल की सादिक संजरानी और परवेज खटक से मुलाकात, मुबैना तौर पर लापता चार अरकान क्वेटा पहुंच गए। सैयद खुर्शीद अहमद शाह 2 साल बाद रिहा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर जेल से रिहाई पर कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर काफले की सूरत में रिहाइश गाह पर लेकर गए। खुर्शीद शाह कहते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में इसलिए डाला गया ताकि अवाम को महंगाई के सुनामी के हवाले कर दिया जाए। वो पहले भी कहते थे सुनामी का मतलब तबाही और महंगाई है। शेख रशीद की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास, वफाकी और सूबाई वज़रा और आई जी पंजाब शरीक हुए। अमन अमान की सूरत हाल और कानून नाफिज़ करने वाले इदारों की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। साद रिज़वी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम कोट लखपत जेल भेजने का फैसला। नूरुल हक कादरी के उलमाए कराम से भी टेलीफोनिक राब्ते, कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात से मामलात हल करना चाहती है। वज़ारत दाखिला की लाहौर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। समनाबाद, इकबाल टाउन, सब्ज़ाज़ार और दाता दरबार के इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई थी। रैली के रास्तों पर इंटरनेट बदस्तूर बंद रहेगा। हुकूमत का मुजाहिरीन से निमटने के लिए तुर्की की तर्ज पर खुसूसी फोर्स बनाने का फैसला। नई फोर्स की तश्कील के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भी नई फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने फजाई हदूद के इस्तेमाल के लिए अमरीका से मुआहदे की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ऐसे किसी मुआहदे पर बातचीत नहीं हो रही। दोनों ममालिक में इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी पर देरीना तआवुन है, बाकायदा मुशावरत भी होती है। अमरीकी मीडिया ने फजाई हदूद के इस्तेमाल के लिए मुमकिन मुआहदे की खबर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। शाह महमूद, हम्माद अजहर और मलिक अमीन असलम भी साथ मौजूद। सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों में इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात पर बात होगी। इमरान खान सऊदी सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलेंगे। मशरिक़ वुस्ता सरसब्ज़ इक़दाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी शेड्यूल का हिस्सा है। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मोदी की वजह से ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे। फवाद चौधरी कहते हैं कौम की दुआएं अपनी क्रिकेट टीम के लिए हैं, पूरी कौम पुरजोश है, कल पाकिस्तान मैच जीतेगा। मजीद बोले पाकिस्तान की मईशत ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से खड़ी है, पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। T20 वर्ल्ड कप में कल बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। कप्तान बाबर आजम ने 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, फखर जमान, आसिफ अली, इमाद वसीम शामिल, हैदर अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली भी हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौमी टीम की जीत के लिए पुरउम्मीद, कहा टीम में टैलेंट मौजूद है, भारत के खिलाफ कामयाब होगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का आगाज, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग चल नहीं सकी, मुकर्रा ओवर्स में सिर्फ 118 रन बना सकी। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, 5 खिलाड़ी आउट। दूसरा मैच 7 बजे इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जाएगा।
पाकिस्तान कमीशन टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट लेजेंड आमिर सुहेल के जानदार तबसरे, प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में साबिक क्रिकेटर यासिर अरफात मेहमान बने, नाजरीन भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, वीडियो बनाएं, सवाल बताएं और भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। वज़ारत कानून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सहूलियात देने से माजरत कर ली। अदालती ट्रायल की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इंतजाम भी मुकम्मल ना हो सके। मॉडर्न डिवाइसेस लगाने तक अदालती ट्रायल का अमल ना रोका जाए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए पुराने सिस्टम के तहत ही शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएं। वज़ारत कानून का मुल्क भर की एहतसाब अदालतों के एडमन जजेस को खत। कराची में MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का हंगामी इजलास, सराय के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास बहादुराबाद मरकज पर तलब किया गया। सियासी सूरत हाल और महंगाई के हवाले से मुशावरत की जाएगी। PTI के इत्तेहादी जमातों से मुशावरत न करने पर भी लाहे अमल तय किया जाएगा। NA 133 का जिमनी इलेक्शन, 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नून लीग ने शाइस्ता परवेज मलिक, PTI ने जमशेद इकबाल चीमा, पीपल्स पार्टी ने असलम गुल को टिकट दे दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है NA 133 का इलेक्शन हुकूमत और महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम होगा। PGM के महंगाई के खिलाफ आज भी कई शहरों में मुजाहरे। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने मुजाहरीन से खिताब में कहा कि लोगों का रोजगार बचा है, न दवा के लिए पैसे। इमरान खान की हुकूमत नाजायज है, मुल्क से बरकत उठ गई। रावलपिंडी में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पंजाब में 2019 का एक्ट मुअत्तल, 2013 का एक्ट बहाल। सूबे भर के डिविजनल कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को असासाजात बल्दियाती इदारों को वापस करने के अहकाम जारी। गाड़ियां, दफातर और बकाया जात वापस किए जाएंगे। मुरासले में कहा गया असासाजात की मुकम्मल तफसीलात बल्दियाती इदारों के सरबराहान को दी जाए। पंजाब में मकामी हुकूमतों की बहाली निचली सतह पर आवाम को बाख्तियार बनाने की तरफ लाजमी कदम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा लोकल गवर्नमेंट इदारों की अदम मौजूदगी में लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तमाम लोगों को मुबारकबाद जो अपने मुतालबे पर साबित कदम रहे और अपने अहिया के लिए तवील जिदोजहद की। मुल्क में डेंगू काबू से बाहर, पंजाब में सूरतेहाल तश्वीशनाक। एक रोज में 4 अमवात, 546 अफराद बीमार पड़ गए। लाहौर में सबसे ज्यादा 361 मरीज रिपोर्ट हुए, अस्पताल मरीजों से भर चुके। रावलपिंडी में 47 और इस्लामाबाद में 118 अफराद डेंगू बुखार में मुबतला। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 169 केसेस रिपोर्ट। हाय हाय गर्मी करने का वक्त हुआ खत्म, अब बाय बाय गर्मी। सर्दी की पेशकदमी, बीरबाला, कुमराड, कालाम, मालम जब्बा समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में बारिश और आलाबारी, चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। लाहौर, मरी और दीगर कई इलाकों में बादलों का ताज।